मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 9 को मैं कारक करा रहा हूँ। कारक में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति चल रहा है। द्वितीय विभक्ति कई दिनों से चल रहा, लंबा चलने वाला है ये। इसमें पहले हम कुछ शब्द किए थे जिनके युग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, 13 शब्द थे। उसके बाद और भी नियम किए। अब नियम चल रहा है कि आपको पता था 16 ऐसे धातु होते हैं जिनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 16 ऐसे धातु होते हैं जिनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उन 16 में से 4 धातु हम कर चुके हैं, आज 6 धातु और करेंगे जिनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सबसे पहला है प्रक्ष। प्रक्ष धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस बात को हमेशा याद रखें कि प्रक्ष धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रक्ष का मतलब होता है पूछना। अब यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, शह बालकम पंथान प्रक्षति। अब यहाँ बालकम के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो सबसे पहला काम है हमें यहाँ बताना विभक्ति। पहला काम क्या है? बताना विभक्ति। सबसे पहला काम है विभक्ति बताना। तो यहाँ देखना है धातु, प्रक्ष धातु आ रहा है। प्रक्ष धातु आ रहा है तो हमें पता है 16 धातुओं में से एक प्रक्ष धातु भी है। प्रक्ष धातु के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रक्ष धातु के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब बालकम शब्द में द्वितीय विभक्ति क्यों? क्योंकि प्रक्ष धातु का प्रयोग किया गया है। अब हमें बताना होगा कारण। कारण लिखना होगा। कारण क्या? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया क्या क्यों किया गया है? तो लिखेंगे अत्र प्रक्ष धातुः प्रयोगः वर्तते। यहां पे प्रक्ष धातु का प्रयोग है। उसके बाद लिखेंगे प्रक्ष धातुः योगे, यानी प्रक्ष धातु के योग में सर्वदा यानी हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयोग भावति। यानी यहां पे प्रक्ष धातु का प्रयोग हुआ है और प्रक्ष धातु के योग में हमेशा ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये हम कारण दे देंगे। उसके बाद है रुद्ध धातु। रुद्ध धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। रुद्ध का मतलब होता है रोकना। रुद्ध का मतलब क्या होता है? रोकना। उदाहरण दिया हुआ है ग्वालह वज्रम गाम और रुद्धति। यानी ग्वाले वज्र से गायों को रोकते हैं। अब वज्रम शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ, किसके नीचे? वज्रम शब्द के नीचे। अब इसमें हमें बताना है पहले विभक्ति। क्या बताना है? पहले बताना है विभक्ति कि यहाँ पे विभक्ति क्या है। पहला काम ये है। दूसरा काम है कारण बताना कि कौन से कारण से वो विभक्ति आई है, ये स्पष्ट करना। तो विभक्ति देखिए, रुद्ध धातु आ रहा है। क्या आ रहा है? रुद्ध धातु। और रुद्ध धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ग्वाला वज्रम गाम और रुद्धति, यानी ग्वाले वज्र से गाय को रोकते हैं, रोकने के लिए रुद्ध धातु का प्रयोग हुआ है। और रुद्ध धातु के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का। तो रुद्ध धातु है इसलिए यहां लिख देंगे द्वितीय विभक्ति। क्या लिख देंगे? द्वितीय विभक्ति। अब कारण बताना है तो कारण में लिख देंगे अत्र, यानी यहां अत्र रुद्ध धातु प्रयोग वर्तते। यहां पे रुद्ध धातु का प्रयोग है। आगे लिखेंगे रुद्ध धातु योगे। रुद्ध धातु के योग में सर्वदा यानी हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयोग भावति। द्वितीय विभक्ति प्रयोग भावति। यानी यहाँ पे रुद्ध धातु का प्रयोग हुआ है
और रुद्ध धातु के युग में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। अब उसके बाद में अगला है ची। ची धातु का अर्थ होता है चुनना। ची धातु का अर्थ क्या होता है? चुनना। ची धातु के युग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहला काम है विभक्ति लिखना, यहां हम हेडिंग डालेंगे विभक्ति, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे कारणम। पहला हेडिंग है विभक्ति, दूसरा हेडिंग है कारणम। ची धातु का प्रयोग हुआ है इसमें, इस वाक्य में। तो ची धातु के युग में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ची धातु के युग में किसका प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब कारण लिखेंगे, तो कारण में बताएंगे अत्र ची धातु प्रयोग वर्तते, यानी यहाँ पे ची धातु का प्रयोग है। फिर लिखेंगे ची धातु योगे, ची धातु योगे यानी ची धातु के योग में सर्वदा यानी हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवति। ची धातु के युग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे ची धातु का प्रयोग किया गया है, और ची धातु के युग में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही उदाहरण नंबर 8, जी धातु का अर्थ होता है जीतना। जी धातु का अर्थ क्या होता है? जीतना। तो यहाँ पे जी धातु का प्रयोग किया गया, और जी धातु के युग में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहले लिखेंगे हेडिंग में विभक्ति। क्या लिखेंगे? विभक्ति। विभक्ति में क्या लिख देंगे? द्वितीय। द्वितीय क्यों लिखेंगे? द्वितीय विभक्ति क्यों लिखेंगे? आपको पता है, क्योंकि इस वाक्य के अंत में धातु कौन सा प्रयोग किया गया है? जी धातु। और जी धातु के योग में किसी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद बताएंगे कारणम, ठीक है। तो कारण में लिखेंगे अत्र यानी यहां जी धातु प्रयोग वर्तते। यहां पे जी धातु का प्रयोग है। आगे लिखेंगे जी धातु योगे यानी जी धातु के योग में सर्वदा यानी हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवति। द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवति। यहाँ पे जी धातु का प्रयोग हुआ है, जी का मतलब जीतना, और जी धातु के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का। नृपः शत्रुं राज्यं जयति, यानी राजा शत्रु से राज्य क्या कर रहा है? जीत रहा है। और जीतने के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, या आप ये बैठा लें कि जी धातु के योग में हमेशा ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अगला है ब्रु। ब्रु का मतलब होता है बोलना। ब्रु का मतलब क्या होता है? बोलना। ब्रु धातु के युग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ब्रु धातु के युग में भी कौन से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हेडिंग डालेंगे विभक्ति। हेडिंग डाल के पहले लिखेंगे विभक्ति। ब्रु धातु का प्रयोग हुआ है। ब्रु धातु के युग में कौन से विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जो यहाँ लिख देंगे द्वितीय विभक्ति। ब्रु धातु के युग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो लिख देंगे द्वितीय विभक्ति। अब हमें बताना है कारणम। कारण बताना है, तो यहाँ हेडिंग डाल के लिखेंगे अत्र यानी यहाँ ब्रु धातु प्रयोग वर्तते। यहाँ पे ब्रु धातु का प्रयोग हुआ है। आगे लिखेंगे ब्रु धातु योगे यानी ब्रु धातु के योग में सर्वदा यानी हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवति। ब्रु धातु के युग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है।
उसी प्रकार मथ धातु है, मथ का मतलब होता है मथना, मथ का मतलब क्या होता है मथना। सह चीर निधि सुधाम मथेति, नौ आज आपको पांच कराया, सेम उसी प्रकार से ये दसवा भी है, मथ का होता है मथना। अब चीर निधि के नीचे अंडरलाइन किया हुआ मथ धातु का प्रयोग हुआ है, तो मथ धातु के युग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आप लिख दोगे विभक्ति में द्वितीय, कारण लिखोगे अत्र मथ धातु प्रयोग वर्तते, और मथ धातु योगे सर्वदा द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवति, ठीक है ना, ऐसे लिखोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।